नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब घर लोग बनाने का शुरुआत करते हैं उस समय सभी के मन में यही सपना रहता है कि जो उनका घर बने वो मजबूत हो, टिकाऊ हो और इसके साथ साथ सुंदर भी हो। लेकिन आपका घर मजबूत और टिकाऊ तभी बन पाएगा जब आप प्रॉपर तरीक़ा से अपने घर का सारे काम को करवाते हो। इसमें मुख्य रूप से आपको अपने घर में बनने वाले कॉलम और बीम का कास्टिंग के समय भी कुछ ध्यान देना होता है, जिसके बारे में मैं आप लोग को डायरेक्ट साइट से एक बनते हुए कॉलम को दिखाते हुए बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इस गलती को और इस काम को न करवाते हुए अपने कॉलम का जो मजबूती है उससे खिलवाड़ कर देते हैं। तो कैसे आप बिना खर्च का, बिना कोई एक्स्ट्रा खर्च का अपने घर का जो कॉलम और बीम है उससे मजबूत बनवा सकते हो, आप देखिए इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से चलते हैं इस बनते हुए कॉलम के पास में और देखते हैं कि क्या यहाँ पे अच्छा काम है वो किया जा रहा है जिसे हम लोग को सीखना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बनते हुए कॉलम का साइज़ का। तो इसे 9 इंची बाय 12 इंची का बनाया जा रहा है। सरिया का बात कर लिया जाए तो 12 mm का 6 सरिया के साथ इस घर का जो कॉलम है उसका निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हो, अगर आप इस साइज का कॉलम बनाते हो तो 2 से 3 तला तक आसानी के साथ आप अपने घर को इस कॉलम के सहारे ले जा सकते हो। इस कॉलम के बीच में आप देख रहे हो कि लगभग 2 इंची बाई 3 से 3.5 इंची के आसपास में यहाँ पे आपको गड्ढा नज़र आता है। और गहराई की बात कर ली जाए तो लगभग 2 इंची के आसपास में यहाँ पे गड्ढा है वो छोड़ दिया गया है। जब कॉलम का कास्टिंग किया गया था और कास्टिंग करने के बाद में लगभग 15 से 20 मिनट के बाद में कुछ इस तरीका से आप वहाँ पे गड्ढा करवा सकते हो, या फिर आप चाहो तो लकड़ी का टुकड़ा या फिर जो ईंट का टुकड़ा होता है उससे भी आप रख सकते हो। ऐसा करने से ये फ़ायदा होता है कि आपने पहले दिन का कास्टिंग तो करवा लिया, ढलाई करा लिया, लेकिन इसके बाद जो आप कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जब इसका कास्टिंग कराते हो तो जो पहले का जो कॉलम का कास्टिंग है और इसके जो ऊपर वाला कास्टिंग होगा, इस दोनों के बीच में एक प्रॉपर बाइंडिंग है वो हो सके, एक अच्छा उसमें दोनों में बंधन हो सके, उसके लिए छोड़ा गया है ताकि जो पहले से हमारा ढलाई किया हुआ है, जो इसके बाद में ढलाई किया जाएगा, इस दोनों के बीच में एक प्रॉपर बाइंडिंग हो पाए, जिससे जो आपका घर का कॉलम हो वो मजबूत बने, टिकाऊ बने और उसके साथ साथ इस पे जो आपका घर बनेगा वो भी काफ़ी मजबूत होगा। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। कभी भी आप अपने घर का कॉलम बनवाते हो तो जब इसका ढलाई करा तो उसी समय आप चाहो तो बीच में एक ईंट का टुकड़ा या फिर लकड़ी का टुकड़ा रख सकते हो। बाद में कास्टिंग के 2 या 3 दिन बाद देख सकते हो यहाँ पर ईंट रखा गया है। कास्टिंग के 1 या फिर 2 दिन के बाद आप उसे निकाल सकते हो और उसके बाद फिर आपको कुछ इस तरीका से गड्ढा है वो मिल जाता है, जिससे आपका जो घर का कॉलम है वो जो पहले की अपेक्षा, जो आप बिना गड्ढा के वो बनाते हो, उससे इसका जो मजबूती है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। और पहले का ढलाई और जो बाद में आप ढलाई कराते हो दोनों के बीच में एक अच्छा बाइंडिंग आपको मिल जाता है। तो कोई इसमें एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं है, सिर्फ आपको कॉलम का ढलाई के समय कुछ ध्यान दे देना है। और सिर्फ इतना ही करने से अगर आपका कॉलम का मजबूती बढ़ जाता है वो भी कुछ बिना एक्स्ट्रा खर्च का, तो आपको इस काम को ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, मेरा सलाह यही है कि जब भी आप अपने घर का कॉलम बनवाते हो तो इस तरीके से उसके बीच में गड्ढा आपको अवश्य छोड़ देना चाहिए, ताकि ये प्रॉपर बाइंडिंग आपको अगले वाला जो कास्टिंग होगा और पहले वाला जो कास्टिंग है, इस दोनों के बीच में प्रॉपर बाइंडिंग आपको मिल जाए। दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।